is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. तो अब बात करते हैं चुनावी चकल्लस की, और चुनावी चकल्लस में एक्सपोज इंडिया पहुंचा गाजियाबाद। आइए देखते हैं गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है अपने विधायक के लिए। क्या वास्तविक रूप से विधायक जो वादे करते हैं विकास के, वो पूरे हुए हैं, या अभी भी जनता को ये लगता है कि दावे खोखले थे। विधानसभा चुनाव 2017 की शुरुआत हो गई है, और ऐसे में एक्सपोज इंडिया की टीम आज गाजियाबाद की कचहरी में खड़ी हुई है वकीलों की राय जानने के लिए कि आखिर ये किसको अपना मत देना चाहते हैं और किसका झंडा लहरता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वकील, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम? नेपाल सिंह सिसोदिया। आप इस विधानसभा चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? हम इस विधानसभा में, वैसे तो मैं मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि मोदी देश हित में काम कर रहा है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी और ये आतंकवाद को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी की पार्टी को ही वोट दूंगा। ऐसा क्यों? मतलब खाली इसीलिए कि उन्होंने काम करा, इसके अलावा भी आपके पास कोई वो है उसका मोटिव? नहीं, मोटिव ये है, जो देश हित में काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। क्या मौजूदा विधायक जो इस समय यहाँ पर हैं, उन्होंने आपको, आपके लिए कुछ काम नहीं करा? मौजूदा विधायक तो इस समय हमारे क्षेत्र छोड़ के मोदी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस चुनाव में किसको वोट देना चाहते हैं? हम भाजपा को। और ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? भाजपा को लाइक करते हैं। मौजूदा विधायक ने आपके लिए कुछ काम करा? मौजूदा विधायक तो बसपा का है, उससे उसने कोई काम नहीं किया। आप जो, आपकी सरकार इस समय जो आने वाली है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? कौन जो इस समय आपकी सरकार बनेगी यहाँ पे, जो भी आप बीजेपी को अगर जिताना चाहते हैं तो बीजेपी आपके लिए आने वाले समय में क्या कार्य करे वो आप बताएंगे? अच्छे कार्य करेगी, यही उम्मीद है उनसे। आप इस विधानसभा चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? मैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल को। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास करते हैं, विकास के आदमी है, इसलिए वोट देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि अगर सुरेंद्र प्रकाश गोयल जीत जाते हैं तो वो आपके लिए, और इसके अलावा क्या करेंगे? उन्हीं के लिए हम कुछ करेंगे, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो अलग बात है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैं दिनेश यादव, एडवोकेट। आप किसे विधानसभा चुनाव में जिताना चाहते हैं? इसी मुरादनगर विधानसभा से जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, और क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने आप में, समाजवादी पार्टी तो विकास की पार्टी है ही, और माननीय अखिलेश यादव जी के जैसा तो विकास कोई कर ही नहीं सकता, तो अब वो लोग भी हमारे साथ आ गए तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सुरेंद्र प्रकाश गोयल जीतेंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि सुरेंद्र प्रकाश गोयल अगर जीते तो वो आपके लिए क्या क्या कार्य करें, जिससे आपको मतलब आगे इन फ्यूचर? उनका बहुत पुराना इतिहास रहा, वो इस गाजियाबाद सिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो MP रहे, वो MLA रहे, अब फिर MLA बनेंगे, तो विकास पुरुष है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही ना, काम करने वाले लोग हैं, उनको, उनसे तो पूछना और कहना भी उनके लिए तो गलत है वर्ड कि वो क्या काम करेंगे। और इनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव में आप किसको जिताना चाहते हैं इस दौरान? बीजेपी को। बीजेपी को, ऐसा क्यों? भाई, बीजेपी में जो सोच है हमारे मोदी जी की, बड़ी दूरदर्शी सोच है, और देश की अखंडता के लिए कुछ बलिदान करना होता है तो हम भी अपना जो है ये योगदान जो इसमें करेंगे जो, और इस योगदान के जरिए ही हम जो है देश की अखंडता को बचाए रख सकते हैं, कि बीजेपी को वोट देंगे तो देश जो मजबूत होगा और विकास करेगा। तो इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव विकास कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी जो है विकास नहीं कर रही है? नहीं, विकास तो कर रही है, लेकिन जो देश की अखंडता के ऊपर नहीं हो सकता विकास, जो देश की अखंडता के लिए जरूरी है, विकास तो बाद की चीज़ है, पर अखंडता तो हमारी जो वो बनी रहे। आप इस विधानसभा चुनाव में किस सरकार को वोट देना चाहते हैं? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो संयुक्त प्रत्याशी है, मैं उन्हें अपना मतदान देना चाहूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा ये कि जो कांग्रेस है बहुत पुरानी पार्टी है और देश को चलाना जानती है, वो देश के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहती है, लूटपाट नहीं करना चाहती है। तो आप खाली कांग्रेस के मत पे समाजवादी पार्टी को लेके वोट देंगे, या फिर अगर, यानी कि अगर गठबंधन नहीं होता तो आप केवल कांग्रेस को वोट देते, समाजवादी पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं है, हम संयुक्त रूप से जो आदमी अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे। समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है, और युवा है, अच्छी सोच है, सही काम कर रहा है वो, और वो जातिवाद की बात नहीं करता है, घृणा फैलाने वाली बात नहीं करता है, कोई लड़ाने की बात नहीं करता है, इसलिए अच्छा नेता लगता है, इसलिए इसको वोट देंगे। आप इस विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? जी, मैं इस विधानसभा इलेक्शन में जो बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी को क्यों? बीजेपी को इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, और युवाओं के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर मौजूदा विधायक बीजेपी से बन जाते हैं तो वो आपके लिए क्या कार्य करें? ऐसा है, मौजूदा विधायक अगर बनते हैं तो इंडिविजुअल किसी के लिए काम नहीं होगा, सड़क बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेंगे, उस पर हम भी चलेंगे, सब पढ़ेंगे बढ़ेंगे। आप इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? सपा कांग्रेस के गठबंधन को जिताना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये मुख्यमंत्री को हम लाइक करते हैं, अखिलेश कुमार को।
नहीं, मुख्यमंत्री से और विधायक से दोनों में डिफरेंस आ जाता है, कहीं ऐसा हो कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी जीत जाएं लेकिन वो अगर आपके लिए काम ना करे तो भी आप यही चाहेंगे? नहीं, हम भी वो उस प्रत्याशी हम तो अखिलेश को वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं दे रहे, अखिलेश को वोट दे रहे हैं। अखिलेश के नाम पे चल रहे हैं? जी, अखिलेश के नाम पे चल रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों? विकास करेगी और जो नोटबंदी के दौरान जो पुराना काला धन था वो जो है निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लुटेरे गुंडों और ये जो फप्तियां कसने वाले लोग हैं ये जो है अपने घर में सरेंडर कर जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस विधानसभा चुनाव में किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ और उनकी कार्यशैली से बहुत बहुत प्रभावित हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट दूंगा और अपने साथियों से ये अपील करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। प्रियंका जी, आप इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसको जीतता हुआ देखना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों? बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी ने। समाजवादी पार्टी में बहुत सारा क्राइम होता है जो कि बीजेपी में हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में अच्छा रहेगा सब कुछ। क्या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आप एक प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मोदी जी का प्रत्याशी जीत जाता तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए क्या कार्य करे? सबसे पहले तो यही कि जो इतना क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार है, वो कम होगा। दूसरा ये है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना लूट हुआ है, बलात्कार हुए हैं, उस चीज से थोड़ा ये है कि वो सब सही रहेगा मोदी की सरकार में। आप इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं? मैं मन से भी और अपनी शारीरिक जितनी मेहनत है उससे ये प्रयास करूंगा कि इस प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक पिछले 15 सालों से इस प्रदेश को जो लूटा गया है, सांप्रदायिक खुद लोग हैं वो जो इन्होंने सरकार बनाई और सांप्रदायिकता का नाम बीजेपी की तरफ रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सांप्रदायिक शब्द ना होता तो शायद इन लोगों की दुकान ना चलती। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास करने वाली पार्टी है, ये हमेशा 125 करोड़ लोगों की बात करती है। ये सड़क बनाएगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, सबके लिए सड़क बनेगी, ना किसी जाति विशेष के लिए बनेगी। अच्छी वातावरण, एक वायु का मंडल अच्छा होगा तो सबको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, हर आदमी को घर मिले, हर आदमी को अच्छी पढ़ाई मिले, दवाई मिले, ये सब पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आप मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसको वोट देना चाहते हैं? मोदी जी विधानसभा में भी और पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से बहुत अच्छी पार्टी है। इसमें ना तो गुंडाई होती, ना भ्रष्टाचार होता और इसके नेता का बोलने चालने का ढंग भी अलग है। सभी की इज्जत करें, बहन बेटी भी सुरक्षा हैं इसीलिए, और नोटबंदी हुई है इससे जो काला धन कमाने वाले बड़े लोगों को नुकसान हुआ है, गरीब लोगों को फायदा हुआ है। आप मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसको वोट करना चाहते हैं? मैं मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी कमीशन या दलाली या किसी अन्य भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती है, जबकि बीएसपी ने हाथी बना के पत्थरों से दलाली की, उसी तरह से साइकिल पथ बना के पत्थर लगा के चारों तरफ साइकिल और रोड को छोटा करके उसकी दलाली सपा गवर्नमेंट ने ली और जिससे किसी को कुछ मिला नहीं। मौजूदा विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है वो ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, जो अदर पार्टी है, बसपा है, सपा है, ये तो जातिवादी पार्टी है। आप क्या चाहते हैं अगर मौजूदा, आपने जैसे बोला कि बीजेपी जीते तो, अगर बीजेपी जीती है तो वो आपके लिए क्या क्या कार्य करे? देखो, बीजेपी तो हालांकि हमें कहने की जितनी तो अंडरस्टूड बातें हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका विकास करती है और जैसे राष्ट्र की समस्या है या अदर जितनी भी समस्या है और हमारे देश से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान बीजेपी कर सकती है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि ये पार्टियाँ जो होती हैं, छोटी पार्टियाँ, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये केवल अपना हित चाहती हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है जो केवल सबका हित चाहती है, ना कि अपना हित चाहती है। आज विधानसभा चुनाव 2017 के लिए हमने गाजियाबाद कोर्ट के वकीलों से उनकी राय जानी और सभी वकीलों ने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और हमें बताया कि आखिर वो विधानसभा चुनाव 2017 में किसको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना चाहते हैं और सभी ने अपनी अपनी सरकारों के बारे में अपने अपने अलग अलग वायदे और उनके विकास की डगर को बताया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अंशुल त्यागी, एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज विद्या
Jayabalan and you're watching Exposed India.